नमस्कार दोस्तों, सुपौल स्टेशन से लगातार मांग उठ रही है पटना, दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रेन की। और इस बार सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने यह मांग उठाई है, जनहित, गरीब रथ और हाटे बाजार चलाने की मांग की है उन्होंने। तो ये सुपौल के सांसद अब सक्रिय हो गए हैं दिलेश्वर कामत, जो जिन्होंने मांग की है कि सुपौल से पटना के लिए जनहित और दिल्ली के लिए गरीब रथ और कोलकाता के लिए हाटे बाजार एक्सप्रेस चलाई जाए। और इसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। और उन्होंने कहाँ ये मांग रखी है और कैसे उन्होंने क्या क्या बातें कही है, ये सारी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा पूरी रिपोर्ट, और इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत किस तरह से एक्टिव हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि सुपौल से जल्द सुपरफास्ट और लंबी दूरी की ट्रेनें चलें। चूँकि अभी फ़िलहाल सुविधाएं कम है सुपौल पर, लेकिन जो है लगातार उससे पहले ही कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो है वो लंबी दूरी और महानगरों से कनेक्टिविटी का रास्ता साफ़ हो सके। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दिलेश्वर कामत जो सांसद हैं सुपौल के, उन्होंने रेल मंत्री से क्या मांग रखी है। तो मांग ये है कि उन्होंने कहा है कि सुपौल से जनहित एक्सप्रेस जो सहरसा से चलती है उसको एक्सटेंड किया जाए, सहरसा से गरीब रथ जो चलती है उसको भी एक्सटेंड किया जाए, हाटे बाजार जो चलती है उसको भी एक्सटेंड किया जाए सुपौल तक। तो ये पुरानी ट्रेन की मांग कर रहे हैं, एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। और सुपौल के सांसद ने ये मांग रखी है कि लंबी दूरी की ट्रेनें जो है उसका विस्तार सुपौल तक जल्द से जल्द किया जाए। और उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता वाली रेलवे एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये मांग रखी है और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने प्रमुखता से इस मांग को उठाया कि जल्द से जल्द यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की जाएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि सुपौल से लंबी दूरी की ट्रेनों की सख्त ज़रूरत है और इसका परिचालन का उन्होंने मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुपौल से सरायगढ़ तक ट्रेनों का परिचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हालांकि रेलवे इसको लेकर के पहले से ही कोशिश कर रहा है कि सरायगढ़ तक ये काम शुरू हो। और उन्होंने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि ये आश्वासन उन्होंने दावा कर रहे हैं कि वो आश्वासन दिया है, अखबारों में, स्थानीय अखबारों में खबर भी छपी है, लेकिन इसमें कई पेंच भी है। और पेंच सबसे बड़ा यही है कि वो पुरानी ट्रेनों के विस्तार की मांग कर रहे हैं, नई ट्रेन की मांग उन्होंने नहीं रखी है और ना ही वो व्यक्तिगत रूप से मिले हैं रेल मंत्री से। सिर्फ उन्होंने एडवाइजरी जो कमेटी है उसकी बैठक में हिस्सा लिया और उन्होंने ये मांग रखी है। तो सवाल ये भी है कि रेल मंत्री इस मांग से कितने कन्विंस होंगे या रेलवे बोर्ड इस मांग को लेकर के कितना गंभीर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये अगर दिलेश्वर कामत व्यक्तिगत रूप से अगर वो रेल मंत्री से मिलते तो शायद जो है इसका असर हो सकता था, लेकिन फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं और सक्रिय हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में जल्द ही सुपौल से जनहित और गरीब रथ और हाटे बाजार जैसी एक्सप्रेस चलाने की मांग को और बल मिल सकता है। हालांकि ये ट्रेनें, गरीब रथ की बात तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन जनहित जो है उसकी भी मांग की जा रही है। क्योंकि ये रात में चलती है ट्रेन और ये ओवरनाइट ट्रेन होगी तो ये ट्रेन जो है वो जल्द से जल्द पटना आपको रात में ही पहुँच, पूरी रात लेने के बाद ये सुबह पहुँचा देगी। तो ये फ़ायदा हो सकता है इस इलाके के लिए। और रही बात गरीब रथ की, तो गरीब रथ से दो फायदे हो सकते हैं अगर मिलेगी तो, दिल्ली और पंजाब ये दोनों कनेक्टिविटी एक साथ हो जाएगी गरीब रथ से। और हाटे बाज़ार अगर मिलती है, कि नहीं, नई मांग जो हो रही है हाटे बाज़ार से अगर होती है तो ये कोलकाता के लिए भी सुपौल का रास्ता साफ हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक। शुक्रिया, धन्यवाद।